अगर मैं ये कहूं कि मेरठ अपने आप में इतिहास की एक किताब है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। प्राचीन काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक के ऐतिहासिक स्मारक और स्थान आपको मेरठ में देखने को मिल जाएंगे। वो चाहे हस्तिनापुर के मंदिर हों, मुगल काल की मस्जिदें या फिर अंग्रेजी दौर के चर्च या स्कूल। इतिहास की एक सुनहरी किताब की तरह मेरठ ने इन सबको अपने अंदर सजाया हुआ है। ऐसे ही आज अंग्रेजों के वक्त की एक बेहद मशहूर इमारत सेंट जॉन्स चर्च के इतिहास में आपको ले चलते हैं। सेंट जॉन्स चर्च उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च है। अंग्रेजों के उत्तर भारत पर कब्जा कायम होने के बाद जब मेरठ में अंग्रेजी छावनी बनी तो अंग्रेजी सैनिकों को पूजा पाठ के लिए एक चर्च की जरूरत थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के बुलावे पे इंग्लैंड से आए पादरी रेवरेंड हेनरी फिशर ने ब्रिटिश अफसरों और सिपाहियों के लिए इस चर्च का निर्माण किया। इसका निर्माण 1819 में शुरू हुआ और साल 1824 तक ये चर्च बनकर तैयार हुआ। चर्च का निर्माण बेहद खूबसूरती से किया गया है। इसके निर्माण में संगमरमर, पीतल, लकड़ी और कांच का इस्तेमाल किया गया है। चर्च परिसर में सुंदर लॉन बनाए गए हैं। चारों ओर से चर्च हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है जो इस चर्च को और सुगम बनाता है। सेंट जॉन्स चर्च की इमारत अंग्रेजी पैरिश चर्च वास्तुकला की एक शैली के अनुरूप है और पैलेडियन या शास्त्रीय शैली पर आधारित है। चर्च को इस तरह बनाया गया है कि हवा आसानी से प्रसारित हो सके और घुटन न बने। लगभग 200 साल पुराना चर्च आज के समय में थोड़ा बहुत बदल गया है। इसका मुख्य कारण समय समय पर होने वाली रेनोवेशन है, लेकिन आज ये चर्च 1800 दशक की शुरुआत के एंग्लिकन पैरिश चर्च का एक अच्छा उदाहरण है। ईस्टर, क्रिसमस और नए साल पर यहाँ विशेष प्रार्थना सभा होती है। इसमें क्रिश्चियंस बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। क्रिसमस के मौके पर तो पैरिश क्लब यहाँ अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग सम्मिलित होते हैं। चर्च के पास एक पुराना ईसाइयों का कब्रिस्तान भी देखने को मिलता है। इस कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र सन 1810 की है। वहीं इनके शीर्ष पर उत्कीर्णित पत्थर, नक्काशीदार स्तंभ और किनारों पर पुरावस्तु की संरचना देखने को मिलती है। 31 अक्टूबर 1814 में खलांगा के युद्ध में मारे गए जनरल ह्यूग रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी की भी समाधि यहीं पर है। सन 1857 की गदर से भी इस कब्रिस्तान का संबंध है। वह सभी अंग्रेज अफसर जो उस क्रांति में मारे गए थे उनको भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। हर साल इंग्लैंड और दूसरे देशों से विदेशी लोग अपने पुरखों की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। साथ ही वे सभी इस चर्च में प्रार्थना भी करते हैं। इस ऐतिहासिक चर्च में फर्नीचर एवं दीवारों पर लगे प्राचीन शिलालेख आज भी देखने को मिलते हैं। मेरठ का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल भी सेंट जॉन्स है। इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। इसे सैन्य दल के बच्चों के लिए निःशुल्क शुरू किया गया था। 1881 तक स्थानीय लोगों के लिए मेरठ में कोई स्कूल नहीं होने के कारण इसकी दो शाखाएं और खोली गई थीं। 1881 में सोल्जर्स चैपल द्वारा लड़कियों के लिए उच्चतर विद्यालय और 1882 में लड़कों के लिए उच्चतर और निम्नतर स्कूल खोला गया था। तब से आज तक हजारों विद्यार्थियों ने यहां ज्ञान अर्जित किया है। आज इतिहास के पन्नों में से इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक जगह और उसके किस्से के साथ आपके इसी पेज स्टूडियो धर्मा पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।